नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम कोचिंग पर। और जो चीज़ें हमारी पीछे छूट गई थी, काफ़ी समय से वीडियोस बन नहीं पा रहे थे, आज से उन सभी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 100 क्वेश्चंस का जो मॉक टेस्ट हुआ था, उसके बारे में जिक्र करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितने बच्चों का क्या क्या रिस्पॉन्स आया। 450 बच्चों ने ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो आप में से यदि कोई नया बच्चा है जो पहली बार इस चैनल पर आया है और जिसने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक, तो वो अभी इसे चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाया करें शुरू करते हैं। तो 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट था। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं डायरेक्टली। वट आर द वेन्यूज सिलेक्टेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ओलंपिक गेम्स? जो ओलंपिक खेल हमारे कराए जाते हैं, तो उनके आयोजन के लिए किन स्थानों का चयन किया जाता है? तो सिटी है, कंट्री है, कंटिनेंट है, नन ऑफ दीज है। तो 80+ परसेंट ऑफ बच्चों ने सही जवाब दिया इसका, सिटी। देन है, वट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिस्ट इन ओलंपिक मोटो? पोटियस, सेल्टियस, पोटियस, कम्युनिस्ट। तो अभी 2020 के जो हमारे टोक्यो ओलंपिक के गेम्स थे, जो 21 में आयोजित हुए थे, वहाँ पे हमारे मोटो के अंदर एक नया शब्द जोड़ दिया गया है, कम्युनिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो टुगेदर, 450 में से 400 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। देन है, साई वॉज इस्टेब्लिश्ड ओनली इस, तो पहले इस प्रकार से क्वेश्चन आता था, सिर्फ ईयर पूछ लिया जाता था, पर आज के समय पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ पे डेट भी पूछी जाती है, तो हमने थोड़ा डेट भी हमने याद रखनी है, साई की और एनआईएस की। पेपर के अंदर डेट भी पूछी जाती है। तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओलंपिक्स वर द लॉन्गेस्ट इन मॉडर्न ओलंपिक हिस्ट्री? जो 187 दिनों तक चले थे, तो 1908 के लंदन ओलंपिक्स हमारे चले थे। इसके बाद है, एंशियंट ओलंपिक्स वर हेल्ड आफ्टर एवरी डैश ईयर, माफ, कितने समय के बाद कराते? बट कॉमन सा क्वेश्चन है, हर 4 साल के बाद एक बार एंशियंट ओलंपिक्स होते थे। नेक्स्ट है, इन विच ओलंपिक्स डोपिंग टेस्ट वर कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स में पहली बार डोप टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। ये किया किस लिए गया था, क्योंकि जो 1960 के एक रोड साइकिलिंग का जो इवेंट था, जिसमें नेदरलैंड के एक डेनिश साइकिलिस्ट थे, नड एनमार्क जेंसन, तो रोनिकल नामक स्टिमुलेंट उन्होंने लिया था, जिस कारण प्रथम स्थान पे रहने के बाद, मतलब रेस फिनिश होने के बाद तुरंत उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में ये पाया गया था कि उन्होंने स्टिमुलेंट का इस्तेमाल किया है, रोनिकल नामक स्टिमुलेंट का। तो वहाँ से फिर प्रक्रिया थोड़ी सी शुरू हुई और 8 वर्ष पश्चात 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स जो थे, वहाँ पे डोप टेस्ट का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कैश इज गिवन टू द रिसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद अवार्ड? तो ये पीछे ही 2-3 वर्ष पहले चेंज हो गया था, तो आज के अनुसार अगर देखें तो ध्यानचंद अवार्ड को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, LNIP ग्वालियर कब बना था? तो 1957 में बना था। विंटर ओलंपिक्स सबसे पहली बार कहाँ आयोजित, सॉरी कब आयोजित किए गए थे? तो 1924 में चेमोनिक्स में कराए गए थे। नेक्स्ट है, पीटी उषा को चौथा स्थान कौन से इवेंट में मिला था? 1984 में जो उनकी फोर्थ पोजीशन रही थी ओलंपिक्स के अंदर, तो वो कौन से इवेंट के अंदर रही थी? 400 मीटर हर्डल्स के अंदर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वर फॉर्मड इन? तो अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1954 में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून एवरी ईयर? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून 1894 को बैरन पायरेटी कुबर्टिन के द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये एक यूनैनिमस डिसीजन लिया 1896 से हम ओलंपिक्स की शुरुआत करी जाएगी। तो वो एक बहुत अहम मीटिंग थी, और उसी दिन IOC का भी गठन हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, डेमेट्रियस विकलेस को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, और ये निर्णय लिया गया था कि 23 जून से ही प्रति वर्ष 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओलंपिक सिंथेटिक ट्रैक वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम?
तो किस में किया गया था सिंथेटिक ट्रैक का इस्तेमाल सबसे पहली बार? 1968 के मेक्सिको सिटी वालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जर्मन जिमनास्टिक्स? तो जर्मन जिमनास्टिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग जैन को जाना जाता है। इसमें ज्यादातर बच्चों ने आंसर दे रखा है फ्रेडरिक गट्समुथ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रैंड फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सॉरी ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिमनास्टिक्स यदि पूछा जाता है तो गट्समुथ आएगा वहां पर, जर्मन जिमनास्टिक्स के पिता माँ के रूप में। पिता और पिता माँ अलग चीज होती है, तो यहाँ पे पूछा गया है जर्मन जिमनास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो फ्रेडरिक लुडविग जैन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द कंट्री? तो कौन सा है हमारा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये हमारा एक्चुअल में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसी का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक फ्लैग? तो इसमें ऑरेंज कलर नहीं होता है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है इसका, और पांच इसके अंदर रिंग्स होते हैं, ब्लू येलो ब्लैक रेड और ग्रीन, तो ऑरेंज इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताराचंद कमेटी कब गठित की गई थी? तो 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली कंट्री टिल नाउ दैट हैड वन मेडल्स इन ऑल समर ओलंपिक्स? ये ज्यादातर ये क्वेश्चन ढंग से एडिट नहीं हुआ है, इसमें छोटी सी मिस्टेक थी पहले, तो इसको चेंज किया गया था, ढंग से एडिट नहीं हो रखा, इसको हम ठीक कर देंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन इसका आंसर आएगा, पहले इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया माना जाता था, पर एक्चुअल में 1904 में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी पदक नहीं आ रखा, तो आज के टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन सिर्फ एक ऐसा देश है जिसका आज तक अभी तक जितने भी समर ओलंपिक्स हुए सभी में एक न एक गोल्ड मेडल जरूर है उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक्स हेल्ड? कहाँ पे हुए थे? सिंगापुर में हुए 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ओलंपिक्स ओलंपिक फ्लेम वॉज लिट फॉर द फर्स्ट टाइम? किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ज्वाला जलाई गई थी? तो 1928 में जलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है LTS का मतलब क्या होता है? जो ये हमारा मोटो होता था पहले CTS LTS OTS, तो हाइयर ऊंचा, ये सबसे ऊंचा भी वहां पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। इन विच ईयर फर्स्ट एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड? तो 1951 में न्यू दिल्ली में ये कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट ओलंपिक्स वर सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ? तो किसके सम्मान में कराए जाते थे? जूस के सम्मान में कराए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द मास्कट ऑफ शुभंकर? कौन था नौवे एशियाई खेलों का जो 1982 में हमारे हुए थे? तो अप्पू, इंडियन एलिफेंट जो है उसके रूप में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन? ये एक रिपीट होने वाला क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका हमने ध्यान रखना है, यूनेस्को चार्टर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमारी अमृत कौर स्कीम कोचिंग स्कीम जो है उसकी कब शुरुआत हुई थी? तो 1953 में हुई थी। इन विच ओलंपिक्स ओलंपिक फ्लैग वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 1920 में हुआ था, हालांकि ये जो ओलंपिक फ्लैग है ये हमारा 1914 में बना दिया गया था, 1916 में हमारे ओलंपिक्स नहीं हुए थे, तो 1920 में इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो सरदोराबजी टाटा इन्हीं के एनर्मस एफर्ट्स के कारण इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIU कब बनी थी हमारी? तो 1925 में बनी थी। Which of the following person who had never been an IOC president? तो इनमें से कौन नहीं बना है? तो विलियम जेम्स कूपर है, ये कभी भी कोई प्रेसिडेंट नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओलंपिक गेम्स आर ऑल्सो नोन एज द गोल्डन ओलंपिक्स? तो 1996 क्योंकि एक सेंटेनरी पूरी हो गई थी यहाँ पे, एक शताब्दी पूरी हो गई थी, 100 वर्ष यहाँ पे पूरे हो गए थे, तो इसको गोल्डन ओलंपिक्स भी जाना जाता है, एटलांटा में ये हुए थे 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सभी को पता है 19 अगस्त को मनाया जाता है, पर कब किस वर्ष से ये मनाया जा रहा है हर 29 अगस्त को? तो 1995 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है YMCA मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो HC बक ने की थी। ओलंपिक रिंग्स जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑब्वियसली वो कॉन्टिनेंट्स को भी करते हैं, महाद्वीपों को, पर ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी भी यहाँ पे आंसर आ सकता है, तो भाईचारे को भी करते हैं, वो हम ऑप्शन के अनुसार हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल सर्विस कमीशन की, नेशनल सर्विस स्कीम की सॉरी, तो 1969 में हुई थी। वाईएमसीए कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1920 में किया गया था। किसके एनॉर्मस एफर्ट्स के कारण पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी? तो सर लुडविक गटमैन के द्वारा हुई थी। किसको फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन, भारत शारीरिक शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है? तो एच सी बख्शी है इसका भी आंसर। विच इंडियन बिकेम द फर्स्ट स्प्रिंटर टू वन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? तो दूती चंद है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है दो तीन बार। नेक्स्ट टाइम विच ईयर फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम्स वर हेल्ड? तो ये एक ही बार हुए थे, नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल रीजंस के कारण कैंसिल कर दिया गया था, 2003 में ये हैदराबाद में कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इज गवर्न्ड बाय, शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक है कि उनकी व्यावसायिक तैयारी किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो बड़ा कॉमन सा है, एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट टाइम विच ओलंपिक्स इंडियन नेशनल फ्लैग फॉर वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 1948, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, हमें इस चीज का पता है। तो 1948 में जो हमारा नॉट ब्रिटिश इंडियन, सिर्फ इंडिपेंडेंट इंडियन, इंडिया का जो फ्लैग फहराया गया था, झंडा फहराया गया था, वो 1948 में हुआ। 1948 में हमारी भारतीय हॉकी टीम जो है उन्होंने लगातार चौथा गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम कब शुरू की गई थी? तो 1970-71 में की गई थी। विच बॉडी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडियन एथलीट्स एट इंटरनेशनल लेवल? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी भारतीय एथलीट यदि अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसके लिए मुख्य रूप से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पीटीएन गेम्स कहाँ पे कराए जाते थे? डेल्फी पर्वत पे कराए जाते थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वप्रथम कब कब दिया गया था, सॉरी, तो 1985 में दिया गया था। जूडो किसके द्वारा बनाया गया है या इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फादर जिगारो कैनो के द्वारा किया गया था। नीमियन गेम्स कहाँ पे सेलिब्रेट होते थे? एयरपोलिस नामक स्थान पे होते थे। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है ये कब बना था? 1950 में बना था। माका ट्रॉफी प्रति वर्ष जो विजेता टीम को दी जाती है उसको इनामी राशि कितनी दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ये हमारा क्या है, इसका फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू वन एन ओलंपिक मेडल इन ओलंपिक्स? करणम मल्लेश्वरी, 2000 में वेट लिफ्टिंग में इनका मेडल आया था। अ साउंड माइंड एग्जिस्ट इन द साउंड बॉडी, किसके द्वारा कहा गया है? तो अरस्तु के द्वारा। फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में किसको जाना जाता है? हिपोक्रेटिस को। IOC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो लोसाने स्विट्जरलैंड में है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हमारे वो कहाँ पे हुए थे? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। फर्स्ट इंडियन कौन है जिसने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था? तो महेश भूपति है। मिक्स डबल्स में इन्होंने जीता था रिका हिराकी के साथ। NCC कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो 1948 में पंडित हितेंद्रनाथ कुंजरू के एफर्ट्स के कारण हुई थी। पहली महिला कौन है जिसने एथलेटिक्स में एशियन गेम्स में मेडल जीता था? तो कमलजीत संधू है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में कब बनाया था? तो 1982 में बना था। कुंजरू कमेटी 1959 में बनी थी। वो स्थान जहाँ पे ग्लेडिएटर कॉम्बेट्स कराए जाते थे रोम के अंदर, वो क्या कहलाता था? एम्फी थिएटर कहलाता था, पेपर में कई बार पूछा जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग इनमें से सबसे ज़्यादा सुटेबल किसके लिए है? तो सोल्जर्स के लिए है, ये भी पेपर में एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। LNIP के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो प्रोफेसर PM जोसेफ थे। किस ओलंपिक्स में इजरायली एथलीट्स को टेररिस्ट के द्वारा मारा गया था? तो 11 एथलीट्स मारे गए थे, पुलिसमैन मारा गया था, कोच मारा गया था 1972 में मुनिच ओलंपिक्स में। माका ट्रॉफी कब दी जानी शुरू की गई थी? तो 1956 में, 1956-57 में। किसको खेलों का मक्का के रूप में भी जाना जाता है? तो NSNIS को जाना जाता है।
फर्स्ट रिसिपिएंट कौन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, तो विश्वनाथन आनंद है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और पहले पद्म विभूषण अवार्ड पाने वाले व्यक्ति भी विश्वनाथन आनंद ही है, पहले स्पोर्ट्समैन। ठीक है, भारत रत्न के बाद जो सबसे सर्वोच्च जो अपने भारत का जो सिटीजन को दिया जाता है वो पद्म विभूषण ही है, तो इनको पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भी पहले स्पोर्ट्स पर्सन है। Who was the first Indian to receive Olympic Order Award? तो इंदिरा गांधी है। Oldest principle क्या है? Philosophical foundation का तो naturalism है। Athenian games किसके owner में होते थे? Apollo के owner में होते थे। National Association of Physical Education and Recreation की शुरुआत कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। Basketball का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो Dr. James Naismith के द्वारा करा गया था USA में। जो ओलंपिक में विजेता होते थे उनको पुरस्कार के रूप में किस पेड़ की शाखाएं दी जाती? तो ओलिव जैतून के पत्तों का एक वो बनाया जाता था क्राउन, वो उनको पहनाया जाता था ओनर के रूप में। एथेनियन गेम्स किसके ओनर में कराए जाते थे? तो पोसाइडन के समुद्र देवता जो थे। फादर ऑफ एशियाड के रूप में कौन जाना जाता है? गुरुदत्त सोंधी जाने जाते हैं। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे हमारे? तो नई दिल्ली में 1951 में हुए थे। Which summer Olympics were organized at highest altitude till now? तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स हुए थे? 1968 के मेक्सिको सिटी के। यहाँ से कई प्रश्न आते हैं। Who is the first Indian to win a gold medal in World Under 20 Championship? तो हिमा दास। राजीव गांधी खेल रत्न कब शुरू करा गया था? तो 1991-92 में हुआ था। यूथ गेम्स शुरू करने का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? जोहान रोसेनसोफ के द्वारा दिया गया था। प्रैग्मेटिज्म का अन्य नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटिज्म है। पहले लिंगियाड गेम्स कब हुए थे? तो 1939 में हुए थे, जब पेर हेनरिक लिंगमर गए थे 1839 में। तो 100 वर्ष के पश्चात पहले लिंगियाड गेम्स का आयोजन करा गया था। हनुमान व्यायाम प्रसार का मंडल किसके द्वारा बनाया गया? तो वैद्या ब्रदर्स के द्वारा। ग्रैंड फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में किसे जाना जाता है, या जर्मन जिमनास्टिक्स के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रैंड फादर की अगर बात होती है तो गट्सलू आएगा। LNIP कंफर्ड द स्टेटस ऑफ डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ये किस वर्ष में हुआ था? तो 1995 में। नेमियन गेम्स किसके ओनर में होते हैं? तो जूस के ओनर में। SGFI जो है हमारी स्कूल गेम्स फेडरेशन, इसकी कब शुरुआत हुई थी? 1954 में। दो ओलंपिक्स के बीच में पीरियड जो होता है उसको ओलंपियाड कहा जाता है। पोलैंड कपूर कमेटी 1960 में शुरू हुई थी। फर्स्ट एफिलेटेड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज ऑफ इंडिया क्या है? YMCA मद्रास है। वैसे ये अनुमान व्यायाम प्रसक मंडल भी बन गया था, पर इसका कुछ 24-25 में इन्होंने शुरुआत की थी कोर्सेज की, तो इसलिए फर्स्ट एफिलेटेड कॉलेज जो है जो ये 1920 में बना था YMCA, इसी को माना जाता है। ओलंपिक्स के अंदर जो है तीन मेडल का फॉर्मेट है, ये 1904 में आया था। NCC जो है वो स्टेब्लिश करी गई थी किसकी सिफारिश पे? तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू की पे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में किस अवार्ड को जाना जाता है? तो ध्यानचंद अवार्ड को, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये हमने ध्यान रखना है, तो ध्यानचंद अवार्ड को माना जाता है। किस वर्ष में स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी? 1968 में इलिनियोस में, शिकागो में। IOA कब स्टेब्लिश हुई थी? तो 1927 में। और ये जो नट मैन एनमार्क जेनसन है, इसकी मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? डोपिंग के केस का जो ये कारण आया था, तो 1960 में। पहले यूथ विंटर ओलंपिक्स हमारे इंसबर्ग ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे IOC के? इसको बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं पेपर के अंदर, तो ये डेमेट्रियस मिकलस थे, बैरन पायरेटी को बटे, तो बहुत सारे बच्चे आंसर लगा के आते। तो ये था सारा इसका एक छोटा सा एनालिसिस, सारे क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं। तो आज से हम दोबारा से अपने वीडियोस की शुरुआत कर रहे हैं, डेली के 2 से 3 वीडियोस डालने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा। राजस्थान PTI का जो एग्जाम होगा उससे पहले 2000 क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है टॉपिक वाइज उसको भी कवर करा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नए वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।